नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन जो आपके आने वाले एच पी टेट 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन है कि डैश इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मैथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब कि बच्चे के विकास और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साइको एनालिटिक मेथड, दूसरा है कॉम्परेटिव मेथड, थर्ड है डेवलपमेंटल मेथड, या फोर्थ है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसका सही उत्तर है डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल टास्क इज़ द कंसेप्ट फर्स्ट यूज बाई, किसने यूज़ की थी। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट ने, सेकेंड है ब्रूनर, थर्ड है हैवी गर्स्ट, फोर्थ है हरलॉक। तो जो डेवलपमेंटल टास्क कंसेप्ट है ये यूज़ किया था हमारा हैवी गर्स्ट ने, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये एक प्रोफेसर थे, फिजिकिस्ट थे, एजुकेटर थे, सीनियर एक्सपर्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड व्हेन दे आर डिस्करेज्ड, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू। मतलब कि प्री प्राइमरी के बच्चों को खोज करने की अनुमति से संतुष्टि मिलती है, वे निराश हो जाते हैं जब वे हतोत्साहित होते हैं, वे ऐसा करते हैं क्यों। पहला ऑप्शन है रिड्यूस देयर इग्नोरेंस, सेकेंड एफिलेट विद द क्लास, थर्ड है क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास, फोर्थ एक्सरसाइज देयर पावर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्फेंसी पीरियड, मतलब इनमें से कौन शैशव काल से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन से पहला ऑप्शन है ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम बाइलेटरल टू यूनिलेटरल ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, सेकेंड ऑप्शन है ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ट्रेंड इन मोटर ऑर्गन्स, थर्ड है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मोटर डेवलपमेंट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्टेडी मेंटल ग्रोथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है ग्रोथ डिनोट्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। ग्रोथ इज़ अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन है ग्रोथ इज़ गवर्न्ड बाय इंट्रेंसिंग एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसका सही उत्तर है ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इन दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अ चाइल्ड अपीयर सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड कौन सी स्टेज में, यानी कि विकास के किस चरण में एक बच्चा आत्म केंद्रित दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है इन्फेंसी, सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है एडोलसेंस, फोर्थ है एडल्टहुड। तो इसका सही उत्तर है इन्फेंसी, मतलब कि शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन है, हु सेड डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, इंस्टीड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ये किसने कहा था, हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर्स टू, पहला ऑप्शन है बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियंस एज चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट क्वाइट फ्रिक्वेंटली, सेकेंड ऑप्शन है अडप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, थर्ड ऑप्शन है ट्रीट चिल्ड्रन इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस इन अ इक्विटेबल मैनर, फोर्थ है प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली द कॉग्निटिव डोमेन। मतलब कि शिक्षण के विकास का परिप्रेक्ष्य चीज़ों की मांग करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड, थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स। मतलब ये बोल रहा है कि कौन सी डेवलपमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये किसकी थ्योरी थी, बंदूरा की, मास्लो, स्किनर या पियागेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मास्लो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद है, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।